मेरे प्यारे देशवासियों, हमारी पुण्यभूमि ऐसे महान लोगों से सुशोभित रही है जिन्होंने निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा की है। सिस्टर निवेदिता, जिन्हें हम भगिनी निवेदिता भी कहते हैं, वह भी उन असाधारण लोगों में से एक थी। वह आयरलैंड में मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल के रूप में जन्मी थी, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने उन्हें निवेदिता नाम दिया। और निवेदिता का अर्थ है वह जो पूर्ण रूप से समर्पित हो। बाद में उन्होंने अपने नाम के अनुरूप ही अपने स्वयं को सिद्ध करके दिखाया। कल सिस्टर निवेदिता की 150वीं जयंती थी। वे स्वामी विवेकानंद से इतना प्रभावित हुई कि अपने सुखी संपन्न जीवन का त्याग कर दिया और अपने जीवन को गरीबों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। सिस्टर निवेदिता ब्रिटिश राज में होने वाले अत्याचारों से बहुत आहत थी। अंग्रेजों ने न सिर्फ हमारे देश को गुलाम बनाया था, बल्कि उन्होंने हमें मानसिक रूप से भी गुलाम बनाने का प्रयास किया था। हमारी संस्कृति को नीचा दिखाकर हमें हीन भावना पैदा करना, यह काम निरंतर चलता रहता था। भगिनी निवेदिता जी ने भारतीय संस्कृति के गौरव को पुनर्स्थापित किया, राष्ट्रीय चेतना जागृत कर लोगों को एकजुट करने का काम किया। उन्होंने विश्व के अलग अलग देशों में जाकर सनातन धर्म और दर्शन के बारे में किए जा रहे दुष्प्रचारों के खिलाफ आवाज उठाई। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी एवं तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती अपनी क्रांतिकारी कविता पुदुमई पेन, न्यू वुमेन और महिला सशक्तिकरण के लिए विख्यात रहे हैं। ऐसा कहा जाता है प्रेरणा भगिनी निवेदिता ही थी। भगिनी निवेदिता जी ने महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु का भी सहयोग किया। उन्होंने अपने लेख और सम्मेलनों के माध्यम से बसु के रिसर्च के प्रकाशन एवं प्रचार में सहायता की। भारत की यही एक विशेष सुंदरता है कि हमारी संस्कृति में आध्यात्मिकता और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। सिस्टर निवेदिता और वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु इसके सशक्त उदाहरण है। 1899 में कलकत्ता में भयानक प्लेग हुआ और देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की जानें चली गई। सिस्टर निवेदिता ने अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बिना नालियों और सड़कों की सफाई का काम आरंभ कर दिया। वह एक ऐसी महिला थी जो आरामदायक जीवन जी सकती थी, लेकिन वह गरीबों की सेवा में जुटी रही। उनके इसी त्याग से प्रेरणा पाकर लोगों ने सेवा कार्यों में उनका हाथ बटाया। उन्होंने अपने कार्यों से लोगों को स्वच्छता और सेवा के महत्व का पाठ पढ़ाया और उनकी समाधि पर लिखा है, हियर रिपोजिस सिस्टर निवेदिता हु गेव हर ऑल टू इंडिया। यहां सिस्टर निवेदिता विश्राम कर रही हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व भारत को दिया। निसंदेह उन्होंने ऐसा ही किया। उस महान व्यक्तित्व के लिए आज इससे उपयुक्त श्रद्धांजलि और कुछ नहीं हो सकती कि प्रत्येक भारतवासी उनके जीवन से शिक्षा लेकर स्वयं उस सेवा पथ पर चलने का प्रयास करें।